किसान दोस्तों खादां दे उपर हजे वीडियो रोक के पाउणा सीगा, परंतु बहुत सारे फोन आ रहे हैं। कई आलू वाले वीर, कणक वाले वीर बाजार दे विचों पोटाश खरीदी जांदे हैं। किसानां दे फोन ये आउंदे हैं कि भाई एक गट्टा मिलता 700 दा ते एक गट्टा मिलता 1700 दा, 10 किहड़ा गट्टा खरीदिए। मैं की जवाब देवां? आम बंदे नूं पुछोगे तां बंदा ही कहूगा कि यार 700 वाला खरीद ला, हल्के कुत्ते ने कट्टिया 1700 वाला खरीदेगा। परंतु थोड़ा जा पढ़ाई तो कम लईए, थोड़ा जा दिमाग तो कम लईए। कम की लेना है? गट्टा ये ना पुछया करो कि 1700 वाला गट्टा खरीदा कि 700 वाला खरीदा, ये पुछया करो कि बाजार दे विच एक गट्टा इहो जिहा है जिहदे विच 60% पोटाश है, एक गट्टा इहो जिहा है जिहदे विच 12% पोटाश है। हुण आ पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी कि पोटाश रिकमेंड करती कणक दे विच? म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिहदे विच 60% पोटाश हुंदी है। आ वख वख कंपनियां दे थैले बैकग्राउंड वास्ते वीडियो है, जिहड़ी मर्जी खरीदो, 10-15 कंपनियां जिहड़ी मर्जी पोटाश खरीदो। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी कणक दे विच की सिफारिश करती है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश ते जिहड़ी बाजार दे विच तुसीं जिहड़ी पोटाश की गल करते हो, दोवां च इक फर्क है। जिहड़ी बायो पोटाश हुंदी है ना, माड़ी नहीं हैगी, मैं ये नहीं कहिंदा खराब है, बहुत वधिया है, परंतु उहदे विच जिहड़ी पोटाश की मात्रा है वह 12 तों लैके 18% तक हुंदी है। माड़ा जिहा हिसाब लाओ बई, एक म्यूरेट ऑफ पोटाश का गट्टा तुहाडे कोले जिहदे विच पोटाश की मात्रा 60% है, तो 50 किलो के गट्टे दे विचों तुहानू 30 किलो पोटाश मिलनी है तो 20 किलो फिलर मिलना है। समझ गए? हुण एक तुहाडे कोले काली जी पोटाश है जो असीं बायो पोटाश के नाम नाल जानते हैं, जिहदे विच 12 तों लैके 18% तक पोटाश है, तो इहदा मतलब एक गट्टे दे विचों तुहानू 6 किलो तो लैके 9 किलो तक पोटाश मिलनी है। समझ लग गई? जिहड़ा 1700 वाला गट्टा है वह एक गट्टा तुहानू 30 किलो पोटाश दिंदा शुद्ध, तो जिहड़ा 700 वाला गट्टा है वह तुहानू 6 तों 9 किलो तक पोटाश दिंदा है। हुण असीं यह ध्यान करना है कि असीं खेत किहड़ा पाउणा चाहुणे हां। जे हुण तुसीं, मैं तुहानू कहिंदा कि 30 किलो पोटाश किले दी पाईए आपां, तो 30 किलो पोटाश वास्ते म्यूरेट ऑफ पोटाश का एक गट्टा पवेगा जिहड़ा कि 1700 रुपये का पैंदा है। 10-12 कंपनियां बनाउंदियां, जिहड़ी मर्जी खरीद लिओ। जे हुण तुसीं कहिंदे हो कि मैं 12 तों 18% जिहड़ी बायो पोटाश आउंदी है वह पाउणी है, जी सदके पाओ। जे तुसीं 30 किलो पोटाश पूरी करनी है, जिहड़ी 12% वाली पोटाश है उहदे घट्टो घट, क्योंकि उहदा एक गट्टा तुहानू 6 किलो देगा, तो 6 × 5 = 5 गट्टे पाने पैणगे, तो 700 रुपये गट्टे के हिसाब ने नाल 7×5 = 3500 रुपये की पेगी खर्चा। जे तुसीं 18% वाली पोटाश जिहड़ी कि गट्टे च 9 किलो मिलती है, जे एरे ना राही असीं एक गट्टे MOP के बराबर पोटाश करते हैं, लगभग 3.75 गट्टे यह पैणगे, तो इहदी कीमत भी तुसीं ला लो कि जेकर 18% वाली है तो 700 दी नहीं मिलेगी, तुहानू 800 जां 800 तो कुछ मिलेगी, आप 800 रेट ला लीए, तो 8 × 3 = 24, 24 ते 2 = 300 रुपये उत्ते ला लो, 2500-2600 रुपये की वह पेगी। हुण तुसीं देखो कि 1700 रुपया किले ते खर्चना है कि 2600 करना है कि 3500 खर्चना है कि 4000 खर्चना है, क्योंकि 700 रुपया मैं रेट घट तो घट लाया, बाजार के 700, 800, 850 ईवन के 900 रुपया रेट भी लग रहा है। तो इहदे करके हुण तुसीं, तुहाडा सवाल यह हुंदा कि साडी सोसायटी दे विच तां कल्ली बायो ही आई है, तो तुहानू कहिंदा कौन है सोसायटी चों खरीदो? बाजार दे विचों खरीद लो, बाजार चों खरीद के पा लो, पैसा व्याज ते फड़ के पा लो। तुहानू यह पता है कि MOP दा एक गट्टा, 60% वाली पोटाश दा एक गट्टा, तो 12% वाली पोटाश दे 5 गट्टे, दोनों विचों बराबर पोटाश मिलेगी, बराबर पोटाश मिलेगी। जे बराबर पोटाश मिलेगी तो उन्हना तो 1700 नूं व्याज नहीं पैना, इधर तो जिहड़ा हैगा दुगने पैसे बन जाने हैं। तो एक वीर मैनूं होर कहिंदा, कहिंदा कि यार मेरा ना सोसायटी का सैकटरी कहिंदा कि जिहड़ा एक बंदे नूं 2 रोटियां की भुख है, तू उहनूं 6 रोटियां तुन के खवा दें तो फ्रेवा ना होजूगा। कणक नूं 12% वाली पोटाश चाहिए हुंदी है,
ਤੁਸੀਂ 60 ਵਾਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਫਰੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਫੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 60% ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ 50% ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤੁਕੇ ਤਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲੂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਰ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਫੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼। ਹਾਂ, ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਲਫੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਸਲਫੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਲਫਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਓ 60% ਵਾਲੀ, ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50% ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ।